वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज का दिन हमारा कुछ इस तरीके शुरू होता है। आज मेरे भाई को एक जगह कीर्तन पे बुलाया गया है। वो हमारी सोसाइटी में ही रहती है, हमारे मोहल्ले में, उनका घर हमारे मोहल्ले में ही है। तो उन्होंने मेरे भाई को इनवाइट किया है, तो उसके साथ आज मैं भी जाऊंगी कीर्तन में। बट एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, बिकॉज़ मेरी कोचिंग की टाइमिंग भी उसी टाइमिंग में रहती है जिस टाइम मुझे कीर्तन में जाना है। तो आज मैं अपनी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी टाइमिंग थोड़ी मैनेज कर ले। मुझे अपने पेपर्स भी बनाने हैं, तो मैं अपने पेपर बना लूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी कोचिंग जाती हूँ, फिर कोचिंग से ही लौटते ही फिर मैं आपको कीर्तन में ले चलूँगी। ओके, फिर मुझे अभी पेपर भी बनाना है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पेपर बना रही हूँ। मैं ये देखिए, थोड़े बहुत मैंने पेपर्स अपने बना चुकी हूँ, अब थोड़े और बाकी हैं, तो मैं वो भी बना ले रही हूँ। मेरे सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं, मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे अपने पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सारे बना चुकी हूँ मैं। कल देखिए, मुझे एक कार्ड और मिला, मेरी एक स्टूडेंट है उसने मुझे दिया है, उसका नाम काव्या है। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल उसने बनाया है, हैप्पी टीचर्स डे। एंड ये देखिए, जा रही हूँ अपनी कोचिंग पढ़ाने, फिर आपसे कीर्तन में मिलती हूँ। सो अब हम घर आ चुके हैं, देखिए मैंने चेंज कर लिया है। सो आज की जो ब्लॉगिंग थी दीदी ने शुरुआत, और अभी हम लोग निकल चुके हैं। सो भी गाइस, कैलाश वशेरा में आ चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी कीर्तन के लिए लेडीज हैं। आंटी ने हम लोगों को प्रसाद दिया। क्या आंटी? अरे बेटा, अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं। फाइनली बहुत अच्छा बन गई वीडियो, आप लोग परसों देख लेंगे हमारे चैनल पे। और अभी चलते हैं घर, क्योंकि घर से कॉल भी आ रहा है। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ, और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। वो जो आंटी भी थी वो भी सारी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए, आपको वहाँ से प्रसाद मिला है, ये देखिए प्रसाद में लड्डू मिले हैं और केला मिला है, इस दोनों में बूंदी है। लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, प्यारे से, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज का व्लॉग पूरा हमने दीदी से शूट कराया आज, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। भाई आज का व्लॉग पूरा दीदी ने शूट किया, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। जैसा भी लगा हो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, आगे प्रोत्साहित करिएगा इनको कुछ करने के लिए।